अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल 14 उम्मत और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद इमरान। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हाजिर हूं फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि अहमद नाम का उर्दू मतलब क्या होता है, साथ ही साथ इस नाम के लोगों के लिए लकी नंबर क्या है, लकी दिन क्या है, लकी रंग कौन सा है, लकी पत्थर कौन सा है और साथ ही साथ लकी धातु कौन सी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड बटन को प्रेस करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली अच्छी और अहम जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अहमद एक इस्लामी नाम है और इस नाम का शुमार लड़कों के नामों में होता है। अहमद नाम की इब्तदाई तारीख अरबी ज़बान से निकलती है। अहमद नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत नंबर 8 माना जाता है। अहमद नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत दिनों में मंगल और जुमेरात का दिन शामिल है। अहमद नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मती वाली धातुओं में हिंदिसों के हिसाब से तांबा और लोहा शामिल है। अहमद नाम के अफराद के लिए मुवाफिक रंगों में सुर्ख और बनफशी रंग शामिल है। अहमद नाम के अफराद के लिए मुवाफिक पत्थरों में रूबी पत्थर शामिल है। अहमद नाम के अफराद के लिए इल्मुल आदाद में अदद नंबर होता है 53। अहमद नाम का उर्दू मतलब होता है तौसीफ़, सना, हम्द, बहुत तारीफ की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई नामों में से एक नाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस नाम के लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और अगर आप और भी किसी नाम का मतलब जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वो नाम ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।